सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे एचपी का और या किसी भी मतलब अदर लैपटॉप का हम लोग किस तरीके से यहाँ पे रिकवरी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी हमारा यहाँ पे विंडोज 11 है, ठीक है, इसका जो हमारा लाइसेंस रहेगा वो भी हमारे यहाँ पे रिकवरी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक बूटेबल डिवाइस आप लोग को यहाँ पे मैं पेन ड्राइव यूज करने वाला हूँ अपना, और यहाँ पे इसी पेन ड्राइव के अंदर मैं यहाँ पे यूज करके आप लोग का एक बूटेबल मतलब पेन ड्राइव भी बन जाएगा और सारा कुछ रिकवरी हमारा हो जाएगा हमारा एचपी क्लाउड के ऊपर। तो वो सारी चीज को हम लोग क्या कुछ करेंगे और क्या एप्लीकेशन हम लोग यूज करेंगे, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग। सो गाइस, सबसे पहले क्या करना है कि आपको आ जाना है यहाँ पे विंडोज वाले मतलब कि ये बटन पे, और यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर सर्च कर लेना है यहाँ, ठीक है। जैसे ही आप अगर इसके अंदर आएंगे तो आप लोग को एक यहाँ पे एप्लीकेशन रहेगा जो कि यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दूँ कि यहाँ पे मैं ऑलरेडी मतलब कि इंस्टॉल किया हुआ हूँ, जो हमारे यहाँ पे एचपी क्लाउड रिकवरी टूल करके आ जाता है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे भी सर्च करोगे तो आप लोग इसके ऊपर भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे एचपी टूल अगर सर्च करते हो तो यहाँ पे आप लोग को ये भी ये मतलब मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एचपी ने रिकवरी टूल बना करके रखा हुआ है अपने एप्लीकेशन, ठीक है। अदर कोई भी कंपनी के लिए भी आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, तो आप लोग सिंपली उस तरीके से भी फॉलो अप कर सकते हो। तो देख सकते हैं कि इसको मैं ऑलरेडी मतलब कि इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो अभी मैं सबसे पहले इसको ओपन करूंगा, ठीक है। ओपन डायरेक्टली नहीं करना है अपने को गाइस, सारा कुछ मैं आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूँ। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आ जाना है, सिंपली मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ एचपी क्लाउड, तो यहाँ पे ये चीज आ चुका है। अभी हम लोग को सिंपली राइट क्लिक करना है और यहाँ पे रन एंड एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे गाइस, तो कुछ इस तरीके से आपको पॉपअप विंडो आएगा, देन आप लोग को यहाँ पे सिंपली यस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे यस पे करेंगे गाइस, तो यहाँ पे इसका सारा डिटेल्स आपको ओपन होकर के आ जाएगा। और मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना है, देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करने का आ रहा है टर्म एंड कंडीशन, देन आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद अभी हम लोग क्या करते हैं गाइस, कि देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका वेलकम टू एचपी रिकवरी टूल करके आ रहा है और काफी कुछ यहाँ पे बता रहा है कि मतलब आप लोग को 32 का मतलब कि एक पेन ड्राइव आप लोग को चाहिए होगा। तो और यहाँ पे देख सकते हैं कि 32 GB का मैं ऑलरेडी मतलब कि पेन ड्राइव लिया हुआ हूँ। और अभी हम लोग सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा एनालाइज होगा, और अभी हम लोग का यहाँ पे बोल रहा है डू नॉट टर्न ऑफ योर पीसी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा वाईफाई से कनेक्टेड रहना चाहिए, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा वाईफाई कनेक्टेड है ऑलरेडी। और अभी यहाँ पे हम लोग को ये सारा कुछ करने से हमारा एडवांटेज क्या होता है कि जो भी हमारा यहाँ पे एचपी के ऊपर जो इनबिल्ड हमारा यहाँ पे विंडोज है उसका अपने को लाइसेंस नहीं पता है, तो सारा कुछ हमारा रिकवरी होकर के हमारा एक मतलब पेन ड्राइव के ऊपर आ जाएगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले तो फटाफट से मतलब कि इंसर्ट कर देते हैं अपने यहाँ पे फ्लैश ड्राइवर को, मतलब अपने किसी भी पेन ड्राइव को। तो मैं यहाँ पे 32 बिट का सबसे पहले इंसर्ट कर देता हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर। तो मैं अगर माय कंप्यूटर में आप लोग को आकर के दिखाऊंगा इस, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं अभी इंसर्ट कर चुका हूँ और यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा एकदम मतलब कंप्लीट यहाँ पे फॉर्मेट किया हुआ है ये मतलब कि हमारा जो एक्सटर्नल डिवाइस है। तो अभी मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ इस एप्लीकेशन के अंदर क्लाउड रिकवरी वाले टूल्स के अंदर, और यहाँ पे मैं आपको देखिए कुछ भी टर्म एंड कंडीशन आ रहा है, तो यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर दूंगा। और जैसे मैं यहाँ पे यस पे करूंगा देन आप लोग को यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी मेरे को देखने के लिए मिल गया है। प्रोडक्ट आईडी आप लोग को अगर यहाँ पे अगर किसी अदर डिवाइस के लिए आप बुटेबल बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको यहाँ पे इस जगह पे मतलब ये जो टिक है आई नीड टू इंटर प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, तो इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोग इंटर करने के लिए आ जाएगा। और प्रोडक्ट आईडी कहाँ से मिलता है मैं आप लोग को अभी इसी वीडियो में यहाँ पे एड शो कर देता हूँ, कि देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पीछे में लैपटॉप के पीछे में आपको प्रोडक्ट आईडी देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइस, मेरे को यहाँ पे इसी सिस्टम का प्रोडक्ट है मतलब कि बुटेबल बनाना है, तो मैं यहाँ पे इसको टिक नहीं करूंगा और हम लोग यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा गाइस, तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा एक सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है कि आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए मतलब जो भी आपका यहाँ पे आपका यूएसबी ड्राइव है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्लिक करता हूँ और देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा आ चुका है 28 GB का। अगर मैं आप लोग इसका दिखा दूं तो ये हमारा देख सकते हैं कि ये हमारा 28.8 GB का है, इसको मैं यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे गाइस क्या करता हूँ कि अभी ये हमारा सिलेक्ट हो चुका है, मैं सिंपली अभी यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे ओके पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रिपेयर करेगा, थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद हमारा गाइस यहाँ पे जो भी मतलब कि रिकवरी है वो सारा कुछ हम लोग को बन के मिल जाएगा। गाइस हम लोग इसी तरीके से रिकवरी कर सकते हैं अपना जो भी हमारा प्रोडक्ट का मतलब कि जो भी हमारे विंडोज का मतलब कि यहाँ पे की रहता है, हम लोग यही मेथड यूज करते हैं और इसी तरीके से हमारा यहाँ पे सारा कुछ रिकवरी हो जाता है।
अभी यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको पूरा का पूरा बूटिंग करेंगे और एक नया विंडोज हम लोग कैसे विंडोज 11 किस तरीके से हम लोग चलाएंगे, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो गाइस, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।